हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपण समस्त चैनल ले पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। आशा करूँ आपण माने समस्ते बहुत भल थे। मुझे टिके भल अच्छी, पूरा भल ना जदि टिके भल अच्छी, 50% भल अच्छी। मैंने ज्वर उपर लगुन कि भितर भितर लागू ज्वर अच्छे विक लगुच, तो से आज भी टिके मुझे ठीक ठाक अच्छे आपण मैंने देखिए जापरेंगे। तो आज हूँ सोमवार, आ श्रावण मसर प्रथम सोमवार। आज संक्रांति हिसाब से तो आम लास्ट सोमवार गला, कि पूर्णमी हिसाब से यहाँ फास्ट सोमवार आ मानुं भी समस्ते, तो से मुझे कहीदेली यहाँ फास्ट सोमवार। आउर मोर पूजा करार ना से करें, कि गाधे पाधे सारिकी जमी सब कम सरी। आंतु मु श्रावण मस ना नन भेज खाए, कि जो सोमवार पड़ो चारटा से बिना पियाजन खाए, बिना पियाज मानने पियाज खाएनि। आएनि जेहेतु मुझ घर भी क्या खाया दिएनि, कहीं सोमवार श्रावण मस सोमवार बहुत बड़ सोमवार जेहेतु मुझ कैनि। तो आज बिना पियाजन हजबैंड को बुट डाली आलु कखारु तरकारी रुटी करके हजबैंड को सी भी नहीं जाइंट, आने समस्ते सी खाई। मुझे कौन करी ना खिचुड़ी करी, एम तो खिचुड़ी खाबेनि, बुबू खाइब मामा खाइबनि, मुझ खिचुड़ी करी जोटा कि हूँ अदा हेंगु बिना पिया मैंने पूरा जो मीठा खिचुड़ी करी, क्या मतलब खाली खिचुड़ीटा मतलब भल लगे, मुझ मीठा पसंद कैनि जमा भी। ये बोधे फेब्रुआरी मसरू मीठा जमा भी खाई, फेब्रुआरी मस सरी सो फेब्रुआरी कहे एप्रिल मसर जो शाशु गले शाशु काम रसगोला फसगोला होता है खाई, तापर चार पाँच हो गला मुझ जमा भी मीठा, चार पाँच मस हो जमा भी मीठा खाई। आज मुझ चा केवल दिन को खाऊली, दिन को हाफ टी स्पून चीनी खाऊली, कि एना 15 दिन हम टोटाल बंद कर दे, कहीं मुझ गुड़ पाउडर अर्डर कर दी, गुड़ पलि गुड़ पाउडर जो थे कि मुझ चा पीऊँ। मोर तो बिना चीनी भी मुझ खाई पी पारि, कि टिके टिके पीऊली बेसी नुह, चार मस पाँच मस टोटाल मीठा खियानी, तो से टिके टिके खाऊली। आंतु खिचुड़ीटा ना ये खिचुड़ीटा मीठा खिचुड़ीटा मतलब मीठारे कानिका मतलब पसंद कहीं मीठा लगे, मीठा खिचुड़ीटा ही पसंद, बाकी सादा खिचुड़ी पसंद नुहे। तो से आज तैयारी करी। डालमा तो आगर मुझे बहुत रेसीपी सेयार कर, डालमा रेसीपी देवी ओनली खिचुड़ीटा केमी बनवि से देखी। आपर मुझे आज आपण मत सेयार करी मोर जो वेट लस कथा मुझे बहुत जो मतलब कल भी कमेंट कर मोर जो सब्सक्राइबर मधुस्मिता बोधे सी मतलब बहुत दिन आगे कहले, कि मुझे देखुली के इफेक्टिव होती वेट लस कर केते इफेक्टिव होते कौन होते सेयार करी। आईटा मुझे सेयार करी। ए चलत जा खिचुड़ी प्रथम बनई दिए, बन दे सारापर कम फिनिश हो मोर मोर किसी करार ना आ सब कम सरी। तापर मुझे सहित आराम से बस कथ हे मामाली भात दीरा करी। डालमा तो अच्छी करदे, डालमाटा एक्चुअली करदे केवल खिचुड़ीटा करी, से भात डालमा खाइए मोर खिचुड़ी डालमा काकुड़ फाकुड़ लगे मुझे खाईदेवी। आज चलो जी डायरेक्ट किचन को सब रेडी कर सारे, तो कमी कौन कर सहित सेयार करी चल। तो देखो खिचुड़ी ये मुझे हाफ कप नहीं चाउल अरुआ चाउल हाफ कप नहीं मुग डाली टोटाल मिसी गोटे ग्लास गोटे कप सरी गोटे कप डाली आ चाउल मिसिक मुझे धोईदे जस्ट रखी भिजे ना जस्ट धोई के जस्ट रखी ये आम खिचुड़ी। बाकी ए भेजिटेबल किसी आड कर देखते ए कदमी पकई कदमी भल लगे, कहीं मंदिर जो खिचुड़ी होते कदमी पड़े कखारू पड़े बीनस आ मटर पकई। मो पाखे गाजर ना आप गाजर पकई पारे फुलकोबी पकई पारे जोटा कि बहुत टेस्ट लगे। आलु मुझ पकोनी एति की, बाकी आज जो काजू भी किसी आड करी आप नड़िया थी नड़िया भी पकई पारे जोटा कि बहुत बढ़िया लगे। आउ बाकी जहाँ मुझे देखेबी से तैयारी कला आपको कहबी। तो चलते प्रथम स्टार्ट करवा खिचुड़ी बनवा। एक्चुअली खिचुड़ीटा मीठा खिचुड़ीटा घीरे कले ही भल लगे, तापर सोमवार जेहेतु मुझे घीरे टोटाल घीरे करुच्ची। आपण मैंने जब अलग दिन में करेंगे तो आपने घी रिफाइंड रिफाइंड तेल करेंगे, कि घीटा मस्ट आड करेंगे कहीं खिचुड़ी ना घीर टेस्टा बहुत भल आसी था से। तो देखिले गोटे बड़ चामच दे दिली घी, घी देलापर ये गोटे तेजपत्र देली, आउर गोटे चामच जीरा देली, तापर ये हूँ गोलमरीच डाल सरी गोलमरीच आउ लवंग आउ गोटा जो कौन गुजराती तीन चार लखा दे सारापर ये अदा गोटे इंच छेचिक रखी देदेली। दे सारापर ये टी हिंगू दौर वन टी कौन वन फोर टी स्पून हिंगू देदेली। हिंगू देला मैंने ना खिचुड़ी बासनाटा बहुत बढ़िया आसो। तापर ये मुझे काजू पकईदेली, आपड़ी किसमिस नड़िया पक पकवाक चाहूँ ये टाइम देदे मो पाखे किसमिस अच्छी कि बुबू खाइबन, तापर नड़िया मो पाखे ना तो से देनी। बाकी समय ना जो भेजिटेबल सब आड करदेली मुझे जमी कहली आपड़ आ भेजिटेबल ये आड करेंगे, आ सीरीयसली बहुत टेस्ट लगे।
तापर एथरे कोन करबो ना आवश्यक अनुसार लूण केवल परिया पई जति लूण दरकार आ हाफ टी स्पून टिके जति हाफ टी स्पून भले हळदी ताकु देकी एबे टिके भाजीबा कने माने परिवाटा सिजी जीव त प्रेशर कुकर रे किंतु टिके भाजी देले ना तर कंचास मिनटा पळेबो त एटी गुटे मिनट भले मु ताकु भाजी देबी भाजी सेला परे तापर ना सेतरे मु चावल भी ऐड कर देबी चावल जो आमे रखछंती धोई कि जस्ट मु रखी छी मु ताकु जे भिजे कि रखिनी जस्ट धोई देथिनी धोई कि ताकु रखतली त एबे ना सबु तक चावल ताकु एतरे ऐड कर देबा चावल को भी एतरे ऐड करकि ना ताकु भी गुटे मिनट भला भाजीबा जेमती जमा पानी न रहबे पूरा ड्राई हेजबो एक्चुअली ड्राई हे गेलो ना हमर जो खिचुडीटा भलो लागे खिचुडीटा त बहुत टेस्टी लागे आपन जेमिति वेरे बनांत मीठा खिचुडी बा प्लेन डाली खिचुडी सादा खिचुडी जेमिति बनांत सेटा बहुत टेस्टी लागबो आपन माने जदि पूजा पूजा करबा को चाहुथबे ना एमते खिचुडी माने पूजा व्रत रे भी आपन एटा ऐड कर परबे को देई परबे पूजा ठाकुर को भोग देई परबे तापर एठियो ना जति कि डाली चाळ नैथिल तर गोटे कप नैथिल ना तापर 3 कप दे दिली पानी आ खिचुडी टिके अधिक पानी देले सेटा भल लागे तापर भलसे सिजवा दरकार परबा आ चाळ डाली तो 3 कप पानी दे देली दे सला परे तापर एठी पानी पई चाळ पई जति लूण दरकार ताकु दे देली बाकी देखि पड़ धरा गुड़ पाउडर मु 2 चम्मच गुड़ पाउडर मिसेली तापर दे देबी लूण लूण दे सला परे ताकु होजी मु लीड बंद कर देबी लीड बंद करी ना ताकु मीडियम फ्लेम रे 2टा 3टा सिटी दे देबी आ दे सला परे हमर खिचुडी रेडी हेजबो आ तो एक्चुअली ना मु आगरु हो जे बहुत सोमवार करथली बदे 20 वर्ष खंडे सोमवार करछि मु स्कूल ल पढतला ले सोमवार सब सोमवार करे वर्ष जक किते अबे वर्ष दि वर्ष छाडी देछि कने मते हो जे देह खराब हला अरुआ खाइ कि बा न खाइ कि प्रॉब्लम हला डिके देह को आगे देखिबा दरकार तो तापर देखंतु एठी मोर खिचुडी पर रेडी हे गेला आ बहुत टेस्टी हेतला बहुत सुंदर लागतला आ केवल होची गुड़ पके जिबिल टिके आपन मानु बेसी हळदिया देखाउतबो जदि आपन गुड़ न चीनी पके जोंते चीनी रे त टेस्ट लागिवो किंतु जदि टिके हेल्दी टाइप रे आपन माने खायो चोंते वेजिटेबल अछि डाली अछि तापर होची गुड़ ऐड करची माने किछि अनहेल्दी नहु तो आपन माने खाइ परिवे तो बस मोर ये रेडी हे गेला एक्चुअली मते इया सोइत ना सलाड खायो को भल लागे दही खायो को भल लागे ए जो लेम्बू कंचा लंका चकड़ी खायो को भल लागे तो मु एतरे डालमा खाइलेनी कने डालमा खाइबे के दरकार नै एतरे कने डाली वेजिटेबल सबु अछि तो मोर ये लंच रे ई आज दिसला एतिकी पिला माने भी खाइबे से माने भात डालमा से माने सब खाइबे मोर एटा चलन तो खाइ सला परे आपन माने सहित कथा होछि हेलो गुड आफ्टरनून आउ एबे 4:30 हे गेलानी मु खाई कि सोई पड़थली पिला माने भी खाई देले खाई सला परे मु सोई पड़थली आ कहिना वीकनेस बहुत लाग वीक बहुत लागुची वीकनेस भी अछि बॉडी रे वीक लागुची कने से जो गोटे दि दिन भीतर भीतर मते लागिला ज्वर सिट में इमिति लागुथला आउ वीकनेस अछि तो काम गला माने बहुत धई सही लागुची खाली आउ जोटा निहा दरकार से तो करियो पड़ियो निहा दरकार रोसेई रोसेई काम त रोसेई तो करियो पड़ियो कने समस्त खाइबे आउ ए टाइम रे तो बाहर किछि हमर ऑर्डर होउनी कि आउनी किछि बाहरु आउ तापरे रोसेई घर काम कपड़ा हन अधुरे नै चलि जीव किंतु बाकी सब काम त करियो पड़ियो तो करकी सब सखळ ब्रेकफास्ट बनेली पुन लंच मोर खिचुड़ी बनेली सेमान पई भात कोली डालमा लंच करकी सब खाई खुआ दे कि सोइथिली हां छाड़ंत से कथा आउ बहुत जना काली माने देथिले जे मेसेज दीदी गेट वेल सून गेट वेल सून हम त ठीक हेई जीवी ठीक नहि भी जीवा माने रास्ता नहि आउ आउ त मु ठीक हेई जीवी बाकी मोर जो वेट लॉस कथा कहुथली बहुत जना पचारु छन दीदी कुहंतु केते वेट लॉस हेई जे केमिति कोन कले वेट लॉस पई एक्चुअली मु स्ट्रिक्ट डाइट नथिले मु गोटे वीक स्ट्रिक्ट डाइट रे थिली फर्स्ट वीक टा जेबे स्टार्ट करथिली मु आपन मानु कहिथिली योगा ठीक से करथिली 40-45 मिनट करथिली तापर खाइया पिया भी थिली किंतु से जो गोटे वीक ना मोर सब टाइमिंग पूरा गोटे वीक रो टाइमिंग मोर पूरा गड़बड़ हो गला कहीं ना योगा तर मु सखाळे करूची सेई अधमणे 45 मिनट पई मोर सखाळे रो सब टाइम पूरा सखाळे उल्टा पूरा एपर से पड़ हो गला तो मु पूरा काम करि के थकी गली लेट हेगला सब काम लेट हेगला खाइबा ठीक से खाइबा पीबा ठीक से हो पालानी बाकी काम किसी भी ठीक से हो पाला सब जिन लेट है कहीं कि तू लेट है मु योगा बंद करदे केवल डाएट कहते जे डाएट जदि डाएट जदि ठीक रखिए 70% प्लस एक्सरसाइज 30% मेन डाएट तो मुझे भाविल मेन मु डाएट उपर फोकस करे मुझू खाई कि कह सब खाई किसी भी छाड़ी कि कंट्रोल हिसाब से ही खाई एक्सरसाइज तो मुझे करें कत वाकिंग फकिंग सन्ध्या मार्केट फार्केट जापटे जा बुलिक आसे एति प्रपर जाइनी गरम जो एत हो कड़े भी जा मैंने एक्सरसाइज योगा घर भितर तो एक टाइम मत बाहर जी सन्ध्या टाइम ये टाइम फ्री रुए जोटा कि वाकिंग करा गले हम कि ये गरम होना कड़े भी जाई होने खरा तो 6 जाए रोज तो से पारि मुझे टी गरम कमिले मुझ आरंभ करदेवी ये सन्ध्या वाकिंग मॉर्निंग वाकिंग सब स्टार्ट करदेवी
ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସକାଳେ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ସକାଳେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସହିତ ଉପମା କରୁଥିଲି, ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହେଉ ନହେଲେ ବେସନ ଚକୁଳି ବି କରି ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବେସନ ଚକୁଳି ଖାଉଥିଲି, ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଉଥିଲି, ସୁଜି ଉପମା ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ହେଉଛି କିଛି ଯଦି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଯଦି ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ବି ବଟର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଖାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ନହେଲେ ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଖାଇଦିଏ ସେଥିରେ ବି ହେଇଯାଏ ଯଦି ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେତେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଏ, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଏନି। ତ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଏ, ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଏନି, କାରଣ ମୋର ଏମିତିରେ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, 9:30 ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ କାମ ସାରିକି ହିଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜାପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଏ, ତ ସେଇଟା 9:30 ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଏ, ଚା ପିଇ ଦେଇଥାଏ, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇ ଦେଇଥାଏ, ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଏମିତି ହେଲା ତ ଚଳିଯାଏ ସେଇଟା। ଆଉ ତ ତାପରେ ହେଲା 10:00 ଧର, ମୁଁ 9:30 ଧର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଲଞ୍ଚ, ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଏ, ଆଉ କେତେ ପାଣି ପିଏ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସବୁକିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ଲଞ୍ଚରେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ରୁଟି ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଯଦି 12 ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲି, ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଉଥିଲି, ମାଛ ବେଶୀ ଖିଆଇନି ଦିନରେ, ମାଛ କମ୍ ଖିଆଇଛି, ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ହେଉଛି ସବୁ ଖାଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ ଖାଇଛି। ରୁଟି ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଉଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ରୁଟି ନିଏ, ଆଉ ସାଲାଡ଼ ବହୁତ ସାରା ନେଇଯାଏ, ସାଲାଡ଼ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ କାଟିଦିଏ, ଟମାଟୋ କାଟିଦିଏ ଗୋଟେ, ପିଆଜ ହେଲା, ଗାଜର ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକାଇଦିଏ ଅଧା, ଆଉ ଦହି ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏତିକି ଚକଡ଼ିକି ମୁଁ ଦହିରେ ହିଁ ଖାଏ। ଏତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗିନା ଯଦି ନେଇଯିବେ ନା ଯେଉଁ ସାଲାଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭୋଜି ରାଇତା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମିକ୍ସ ଯେଉଁ ପରିବା ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ିର ହିଁ ରାଇତା ହିଁ ମୁଁ ନିଏ, ସବୁଦିନ ନିଏ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁଦିନ ନେଉଥିଲି। ଆଉ ଡାଲମା ଯଦି ହେଲା କି ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଟୋରି ପୁରା ଫୁଲ୍, ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଗିନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ଡାଲମା ବେଶୀ ବନାଏ, କାରଣ ଡାଲମାଟା ହିଁ ଡାଲିଟେ ବି ଖାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର ବଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି କେବଳ ଖାଇବାରେ ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛି, ବାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କରିଥିଲି ଯେମିତି କହିଲି ୟୋଗା କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦିଏ, ସେ ହେଇଗଲା ମୋର ସକାଳ ମାନେ ଖରାବେଳରେ ହେଇଗଲା ମୋର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4:00 ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି, ମୁଁ କଫି ପିଏ, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ବାଦାମ ନିଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଇଟା ପିନଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ନିଏ, ଗୋଟେ ମୁଠା ଖାଏ, ନହେଲେ ବି କିଛି ନହେଲେ ବିସ୍କିଟ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଏ, ବିସ୍କିଟ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ନିଏ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଚା'ଟା କେବଳ ସକାଳୁ ପିଏ, ସେଇଟା ପୁଣି ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କିଛି ଫ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଚା' ପିଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେମିତି ଚା' ପିଏ, ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ପୁରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ମୋର, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ରାତିରେ ବି କେବଳ ରାତି ଖାଇବାଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି, ବାକି ଯେମିତି ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପେଟେ ଖାଇଛି, ଯେ ଖାଇନି ନୁହେଁ, ଖାଇଛି ସବୁ ଖାଇଛି, ଚିକେନ୍ ଖାଇଛି, ମଟନ୍ ଖାଇଛି, ଚିଟିଂ ବି କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଧର ସଣ୍ଡେ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ସଣ୍ଡେ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମଝିରେ ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅର ପୁଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ହେଲା, ମଝିରେ ଥରେ ସେଠି ବି ମଟନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମଟନ୍ 2 ଥର ଖାଇଛି ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ କମ୍ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛିଟା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି, କିଛିଟା ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେତିକି ହେଇଛି। ରାତିରେ କେବଳ କ'ଣ କରେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପିଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇଛି। ହଳଦୀ ମୋର ଯେଉଁ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀର ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଳଦୀ କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର କରିବ, ଡାଇଜେସନ୍ ବଢ଼େଇବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବ, ତା'ପରେ ଆମର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଭ୍ କରିବ। ମୋର ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ହେଉଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହେଉଛି ରାତିରେ ନିଦ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ କପ୍ ନିଦ ଭଲ ହେବ, ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ତା'ର ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆଉ ତ ମେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲି, ତ ଏଥିପାଇଁ ତାପରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ପିଇକି ଶୋଇଲେ ଆମ ନିଦ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗେ ରାତିରେ ସେଇଟା ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇଲି, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମାନେ କ୍ରେଭିଂ ହେଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଦେବି ଉଠିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଲିନି, କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇଲି। 2 ଦିନ ପରେ ବାକି ସବୁ ରେଗୁଲାର ମୋର ହେଇଗଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖିଲେ ମୋ ଡାଏଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଯେମିତି କହିଲି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିନି, ଚଲାବୁଲା ତ ମୁଁ କରେ, ଘରେ ମୋର ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରେ, ଆଉ ଏମିତି କପଡ଼ା ବି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନୁହେଁ, ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କପଡ଼ା ୱିକ୍ଲି ଥରେ ଧୁଆ ହୁଏ, ମୁଁ ଡେଲି ହାତରେ ନିଜେ କପଡ଼ା ସଫା କରେ, ଆଉ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ବାସନ କୁସନ ଯେତିକି କାମ ଘରର ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ମୁଁ ସବୁ କରେ। ତ
तो सकाळ उठ मोर जदि मु कोडे मॉर्निंग वॉक जिबे ना जति कि वॉकिंग मु घरे करछु ना मते पाखा बागे हाफ वॉकिंग घरे हे जाउछ कने बहुत से नटपटे सकाळ कामटा हुए 10 बजे जाय तो सेटा मते लागिला से मैनेज हे जाउछ बाकी हो जी आ किछ न एति करथली आ पानी मोस्ट इंपोर्टेंट पानी मु 4 लीटर पिउथिल एक्चुअली मु केबे भी जीवन 4 लीटर पी पारेनी काहे कि ना हो जी मु 2.5 लीटर मैक्सिमम 2.5 लीटर पिउथली आ 4 लीटर माने जो मु जो स्टील ग्लास रे पिउछि सेटा सेटा हो जी 10 ग्लास पानी आटा सतरे विश्वास करपर मत प्लस पॉइंट है मोर गरम दिन थी खरा थी गरम होता झाड़ बाहर तो पीहला थंडा दिन में मुझे जानी के पीपरि क्या दिन बड़ खरा दिन दिन बड़ जेहतु सीटा मतलब सुविधा है तो 4 लीटर पा फुल पी मैं 10 ग्लास आपने 7-8 लीटर 7-8 ग्लास पीले भी चलो कि कहली ना 4 लीटर मुझे तो पी पारे पीए तो सफिसेंट पा पीली आज कही आप आ गरम पानी मझे मझे गरम पानी भी पी देती जिते सका उठिक गरम पानी उषुम पानी पीए आज जो कौन तो एपुल साइडर भिनेगार भी पानी पक रेगुलर पीए सेटा कहीं सहीटा ना आपण जहाँ भी सब जो आप वेट तो मैनेज कर बॉडी डिटॉक्स कर बहुत सारा बेनिफिट अच्छी मुझे आपँ नेक्स्ट ब्लॉग कहबी केमती कौन पीऊ थी धीरे धीरे मुझे शेयर करी आपण सहित सबकि बहुत सारा मुझे खाइबारे मैंने 4 टाइम हुए मुझे 2 टाइम मुझे कह वन टाइम मिल कर देती सकाटा तो मुझे कहली आपँ भोक लगुला मुझे खाऊली जदि भोक लगी मुझे पूरा भेजिटेबुल पूरा हेल्दी खावा खाऊली बेस इड सड़ नुह आ खरा बेलटा मुझे पूरा फुल पेटे खाऊली 4 बेल सेमती किसी खाऊ ना रात क्षीर गोटे कप पीऊँ बास ये मोर डाएट थी एतिक डाएट करवा द्वारा मोर हूँ 2.7 मानने 2 kg 700 gram वेट मोर लस कमी जोटा जोटा कि मुझे खुशी मुझे यदि जाई था ना गोटे मस भितर मोर पांच मोर वेट कम कर 5 kg बेस नुह कहीं मोर जो मोर वेट जहाँ बढ़ी लास्ट जो 2020 जो लकडाउन है जिते समस्त रेसीपी बनाऊ मुझे बनई रेसीपी जो बहुत सारा मीठा रेसीपी तो छाड़ू रेसीपी तो हाँ किसी कथा ना मीठा बहुत सारा मीठा छेनापोड़ स्टीम बनई छेनापोड़ बनई रसगोला बनई गजा फेणी बुंदी लड़ू बहुत सारा मीठा मुझे बनई मीठा तो मोर अति प्रिय नुहे कि मिले जेहेतु घर तैयारी गले इच्छा हुए खाया तो खाए से लास्ट लकडाउन में ही मोर से 5-6 kg वेट बढ़ीगल एक्चुअली आगु मोर मैनेज होता मोर तो सब 56-57 सीटा ठीक मत भी ठीक लगे सहीटा ना कम ना बेस ठीक था एब जो 4-5-6 kg वेट बढ़ी ना से मोर स्टक् रहीगल आ कमानी कि बढ़लानी बढ़लानी तो ठीक कथा भल कथा बढ़लानी कि कमानी कहीं हूँ खाया सेम चलना किसी भी नाई ना एक्सरसाइज ना कौन योगा ना खाइबा कंट्रोल कली ना कौन कली चलना सेमती पूरा स्टक् हो 61.5 मोर होगा आ 62 बेले बेले मझे मुझे चेक करी 62 होता मुंड खराब होगा आ मोर सब जहाँ भी ब्लाउज थी ड्रेस थी सब टाइट था जोटा मतलब भल लगानी मेन कथा निजुक कंफर्टेबल लगलानी मत जब कंफर्टेबल एवं लगुच एवं मतलब कंफर्टेबल लगुच ठीक अच्छे जब वेट आउ न कमी लगे टेनसन ना कि जो 2-3 kg कमिला ना 2.5 मुझे खुशी आउ मत लगुच गोटे 2 kg कम कर बेस नुह गोटे मसे चाहिए कमी जाए से किसी प्रोब्लेम ना बास यही मुझे यहाँ डाएट करी आउ डाएट ही मुझे कम कर एक्सरसाइज योगा मुझे बेस करनी मुझे कहली आपने जानते समस्ते भी कहते डाएट 70% आप वेट कम एक्सरसाइज 30 मिसिकी 100 हुए तो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे बेस इंपोर्टेंट देवी डाएट उपर तो बाकी मत टाइम होनी जेहतु डाएट तो मो हाथ में ना बाकी वॉकिंग योगा एक्सरसाइज से टाइम बाहर करके पड़ो कि यहाँ मो हाथ में खाया पीया मुझे कौन खाऊँ मुझ कौन कंज्यूम करा मोर डिपेंड कै से आज बहुत सारा डिटॉक्स वाटर भी मुझे नौली सकाळु नौली रात नौली खरा बेले नौली एमती नौली सीटा भी आपत सेयार करी जब किए चाहते तो यही मोर वेट लॉस जर्नी आ 2.7 kg मोर कमी वेट तो बस यही मत भी सब रिलैक्स लगुच ठीक ठाक लगुच ड्रेस फ्रेस सब ठीक हो मत खुशी लगुच बाकी आउ गोटे 2 kg तो 3 kg भाजी के 3 kg पाखापाखि होगा आ 2 kg कमीगले मोर किसी टेनसन ना एवं भी किसी टेनसन ना मुझे खुशी अच्छी देखा जाऊँगी हो जाओ गोटे मस भर कि 15 दिन भितर जब होता बालान्स करा पड़ो आ बढ़ ना बढ़ला मैंने कमिया टाइम लगुच आ मत तो गोटे मस भर मतलब 5-6 kg बढ़ी जा गोटे मस भर 5-6 kg कमेवाटा बहुत कष्ट तो यही देखिले शुणिले आपण कहली जब किए इंटरेस्टेड थे तो शुणे तो बास आज भिडियोटा ये एंड कर दूँ मुझे चाफा कर पीबी मुंडटा बिंधा भी है आबे देहटा पूरा ठीक है जेहतु से किसी कम बेस करूनि जी कर बाकी शोक रोचे बास ये मोर आज भिड तो रही बाय बाय।